वेशभूषा एक देश, एक राज्य और इंसान की पहचान होती है। अगर कोई आपकी वेशभूषा पर ही सवाल खड़े कर दे या फिर आपको आपकी वेशभूषा के चलते एक होटल में घुसने ना दे तो आप क्या करेंगे? दरअसल हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रसिद्ध लेखक नीलोत्पल मृणाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब नीलोत्पल दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पूर्वांचली कार्यक्रम में हिस्सा लेकर एक नामी होटल के दरवाजे पर पहुंचे, तो ठेठ पूर्वांचली अंदाज में सिर पर गमछा बांधे नीलोत्पल होटल में घुसने ही वाले थे कि मैनेजर उनके पास आया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जब उन्होंने कारण जानना चाहा तो जवाब में मैनेजर ने कहा कि आपने गमछा लपेटा हुआ है और इसे हटाकर ही आप हमारे होटल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसी पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए न्यूज ने नीलोत्पल मृणाल से फोन पर बातचीत की। एक खबर है कि आपको, आप सीपी के एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया, तो क्या पूरी घटना के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, पूरी घटना यही है। वहीं पर सीपी में दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में थे, है ना, पूर्वोत्सव महोत्सव में, तो मेरे कंधे पर गमछा था। उसके बाद उस कार्यक्रम से हम गए सीपी में, क्यूबा एक रेस्टोरेंट है, क्यूबीए क्यूबा ई ब्लॉक में, और वहीं पर हम जब अंदर खाना खाने के लिए जाने लगे तो उसने मुझे रोका कि आप गमछा लेके नहीं जा सकते हैं, आप उसको बाहर रखिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा क्या है? तो भाई वो कहने लगा कि नहीं, यहाँ पर जेंटलमैन लोग बैठे हुए हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, यहाँ का वो माहौल नहीं है। तो फिर भी मैंने फिर उसे कहा कि तुम मेरा नाम गूगल करो, अगर तुम किसी को स्टेटस देख के अंदर जाने दोगे तो हमें लगता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के लायक तो हम होंगे ही, ऐसा अगर कुछ है तो तुम देखो और बाकी। लेकिन फिर भी उसका जो था, ठीक है सर आप गमछा उतार दिए, हमको नहीं, ये तो मेरे लिए अब डिग्निटी का बात है, हम जाएंगे तो गमछा लेके ही जाएंगे। और फिर जब होने लगा बाहर तो मैं जबरन गया अंदर बैठा। फिर मैंने वहाँ के स्टाफ के लोगों को कहा तुम्हारे पिता भी धोती पहनते होंगे, गमछा रखते होंगे, कल इसी रेस्टोरेंट में सोचेंगे कि तुम आके देखें कि बेटा कहाँ काम करता है, तो तुम क्या अपने पिता को इसके अंदर नहीं आने दोगे या उनको कैसा लगेगा कि वो अंदर ना आ सके, क्योंकि गमछा धोती पहनते हैं, सोचो तुम लोग। तो स्टाफ लोग फिर मुझे बिठा के खाना बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो मैं जबरदस्ती अंदर चला ही गया। वही है, उसके बाद मुझे लगा कि ये बात अगर मैं सिर्फ इतने भर से मान लूं कि एक घटना हुई छोड़ दे तो वो तो रोज किसी को बेइज्जत करता होगा आम आदमी से। वहीं जब उनसे पूछा कि आखिर क्यों वो गमछा पहनते हैं तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये गमछे की कहानी है, आपके लिए बहुत महत्व रखता है ये गमछा, इसके पीछे क्या बात है? असल में है वो मेरी वेशभूषा है। हम आप कोई अंग्रेज आता है तो आप वो अपनी वेशभूषा इंडिया में लेके आता है ना, वो तो कतई इस बात के लिए नहीं डरता है कि भारत जा रहे हैं तो हम ऐसा राजस्थानी ड्रेस ही पहन के जाना होगा राजस्थान में या वहाँ, अगर एंजॉय करने के लिए भले पहनता हो। एक अफ्रीकन को आप देखिए वो ड्रेस पहनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस पहनते हैं, किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस पहनते हैं, किसके लिए? उस इमोशन को टच करने के लिए ना। तो मैं देश भर में जाता हूँ मंचों पर तो मेरा भी तो एक अपना इमोशन अपने कल्चर के प्रति, इसलिए मैं रखता हूँ गमछा, मैं उसको प्रमोट भी करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूथ को अपने पहनावे, अपने खान पान, अपने जो गांव भरेस की चीजें उसको लेकर डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हम चाहे कितना भी ऊंचा जाएंगे, जड़ पकड़े रहें, जमीन धरे रहें, इसके लिए मैं रखता हूँ गमछा। आपको बता दें कि नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स और ओघर जैसी पुस्तकों के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। न्यूज डेस्क।